हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथा में वर्णित किए गए अस्त्रों के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई सारे युद्ध के बारे में लिखा गया है, जैसे कि रामायण, महाभारत, देवता और असुर में हुए असंख्य युद्ध। इन सारे युद्ध में जो हथियार यानी अस्त्र का उपयोग किया गया है, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में विभिन्न दिव्य हथियार थे, जिन्हें अस्त्र के नाम से जाना जाता है। इन अस्त्रों में अपार शक्ति होती है और इन्हें अक्सर विशिष्ट मंत्रों या अनुष्ठानों के माध्यम से लागू किया जाता है। जबकि हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित अस्त्रों की सटीक संख्या स्रोत और व्याख्या के आधार पर अलग अलग हो सकती है। यहाँ विभिन्न देवताओं से जुड़े कुछ प्रमुख अस्त्रों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली हथियार, जो पूरी सेनाओं और यहाँ तक कि सभ्यताओं को भी नष्ट करने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि जब इसे पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह अजेय होता है। ब्रह्मास्त्र का प्रथम उपयोग महर्षि विश्वामित्रा ने किया था, जब उनका युद्ध महाराज वशिष्ठ के साथ हुआ था। रामायण में जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग हनुमान पे किया, तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर वो इसका सम्मान नहीं रखते हैं तो इस महान अस्त्र की महिमा मिट जाएगी। इसीलिए उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी ब्रह्मास्त्र लगने के बाद मूर्छित हो गया। इसके बाद नागपाश से बांधकर वो हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गए थे। ये है ब्रह्मास्त्र की महिमा, जिसके सम्मान का ख्याल रुद्र के रूप हनुमान भी करते हैं। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है। अश्वत्थामा पांडव के सोते हुए पुत्रों को मारकर भाग जाता है। अर्जुन इस अपराध की सजा देने के लिए अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। जब दोनों का आमना सामना होता है तो भयभीत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर देता है। बचाव में श्री कृष्ण भी अर्जुन से ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए कहते हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसका प्रभाव शांत करने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ता था। सृष्टि के विनाश को देखते हुए महर्षि व्यास बीच बचाव में आ जाते हैं और अश्वत्थामा एवं अर्जुन दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र नहीं आता था, इसलिए उसने इसकी दिशा घुमा दी। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को लगा और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने इन्हें फिर से जीवित कर दिया। पशुपतास्त्र भगवान शिव का एक दिव्य हथियार, जो सृष्टि को नष्ट करने और किसी भी प्रतिद्वंदी को परास्त करने में सक्षम है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। पशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो बहुत ही विध्वंसक और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है। यह पशुपतिनाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पशुपतास्त्र का उपयोग किया। अर्जुन ने पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। ब्रह्मशिरास्त्र भगवान ब्रह्मा से जुड़ा एक और शक्तिशाली हथियार, जो किसी भी प्रतिद्वंदी का सिर काटने में सक्षम है। ब्रह्मशिरास्त्र या ब्रह्मशीर्षास्त्र ब्रह्मा का चार सिर वाला हथियार सामने ब्रह्मा के चार सिरों के साथ प्रकट होता है।
और सामान्य ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। महाभारत में अर्जुन, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और भीष्म उनमें से थे जिनके पास यह ज्ञान था। एक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्रा ने इसे उत्तराखंड के गंगा नदी में पाया था, जो उन्हें धर्मगुरु वशिष्ठ द्वारा दिया गया था। दूसरी कथा के अनुसार देवी गायत्री ने ब्रह्म शिरास्त्र को ब्रह्मा के आदेश के साथ भारत के द्वीप में छिपा दिया था। वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु द्वारा चलाया गया एक हथियार जो किसी भी अन्य अस्त्र को निष्क्रिय करने में सक्षम है। ये भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था जिसे उनके अतिरिक्त कोई अन्य रोक नहीं सकता था। इसे केवल श्रीहरि को प्रसन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता था। इससे न केवल मनुष्य देवताओं का भी नाश हो सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्रा के पास ये अस्त्र था जो उन्होंने श्री राम को प्रदान किया। इसी महान अस्त्र से ही श्री राम ने भगवान परशुराम के प्रभाव का अंत कर दिया था और तब परशुराम को ये विश्वास हो गया कि श्री राम विष्णु अवतार ही है। महाभारत में ये अस्त्र श्री कृष्ण और भगदत्त के पास था। भगदत्त ने इसका प्रयोग अर्जुन पर कर दिया था, किंतु श्री कृष्ण बीच में ही आके उसे अपने ऊपर ले लिया और अर्जुन के प्राण बचाए। नारायणास्त्र भगवान विष्णु से जुड़ा एक और हथियार जो एक साथ हजारों घातक मिसाइलें छोड़ता है। नारायण अस्त्र पशुपात के समान विकराल अस्त्र है। इस नारायण अस्त्र का कोई प्रतिकार ही नहीं है। यह बाण चलाने पर अखिल विश्व में कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़ के नम्रता पूर्वक अपने को अर्पित कर दे। इस बाण के सामने झुक जाने पर यह अपना प्रभाव नहीं करता। वज्र भगवान इंद्र द्वारा चलाया जाने वाला वज्र हथियार जो शक्तिशाली बिजली और तूफान पैदा करने में सक्षम है। वज्र अस्त्र दो प्रकार के होते हैं, अशानी वज्र और कुलीश वज्र। इसके दो प्रकार माने जाते हैं। वज्रास्त्र देवराज इंद्र का मुख्य अस्त्र माना जाता है। इसके बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है। दधीची ऋषि की हड्डियों से देवराज इंद्र ने यह अस्त्र बनाया था और अनेकों राक्षसों और दानवों का वध किया था। वज्र को दूसरे अस्त्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा वजनदार माना जाता है। वासवी शक्ति इंद्र द्वारा कर्ण को उपहार में दिया गया एक दिव्य हथियार जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। इसे अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है जो सिर्फ इंद्र के पास था। इसकी खूबी ये थी कि यह अचूक होने के चलते एक बार ही प्रयोग हो सकता था। महाभारत में कर्ण को इसे इंद्र ने कवच कुंडल के बदले दिया था। नागास्त्र नागाओं सर्प देवताओं से जुड़ा एक हथियार जो दुश्मनों की ओर जहरीले सांपों को छोड़ने में सक्षम है। ये नागा जाति से जुड़ा एक दिव्य हथियार है। ऐसा कहा जाता है कि इसका लक्ष्य अचूक होता है और यह सांप का रूप धारण कर लेता है जो टकराने पर घातक साबित होता है। अर्जुन ने इसका प्रयोग सुशर्मा के विरुद्ध किया था और कर्ण के पास भी इसे रखने का वर्णन किया गया है। इसका प्रयोग विभीषण, नकुल और सहदेव जैसे महान योद्धाओं ने भी किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य चक्र हथियार जो दुश्मनों को निशाना बनाने में अपनी गति और सटीकता के लिए जाना जाता है। सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु का अंश तथा शस्त्र है। इसको उन्होंने स्वयं मतलब उनके कृष्ण और परशुराम अवतार ने धारण किया है। किंवदंती है कि इस चक्र को विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके प्राप्त किया था। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक असुरों, दानव, दैत्य और राक्षस का वध किया था।
त्रेता युग में सुदर्शन चक्र ने अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया था। त्रिशूल, भगवान शिव द्वारा चलाया गया त्रिशूल हथियार विनाश और सृजन का प्रतीक है। त्रिशूल भगवान शिव का अत्यंत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हथियार है। त्रिशूल के तीन प्रकार के कोने विनाश, सृजन और पालन को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे त्रिशूल कहा जाता है क्योंकि इसके तीन शिरों का प्रतीक्षण किया जा सकता है, जो भगवान शिव के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को प्रतिनिधित्व करते हैं। कौमोदकी, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण द्वारा चलाए जाने वाला गदा हथियार, जो दुश्मनों को कुचलने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण ने इससे दानव दंत वक्र का वध किया था। कौमोदकी श्री कृष्ण की गदा का नाम है। अलवार संतों की परंपरा में भूतत तलवार को कौमोदकी का अवतार बताया गया है। चित्रों में विष्णु को दाहिने हाथ में गदा धारण करते हुए दिखाया जाता है। वही कुछ शिल्पों में कौमोदकी गदा नारी या गदा देवी के रूप में विष्णु के बराबर खड़ा दिखाया जाता है। श्री कृष्ण को भी विराट रूप में कौमोदकी धारण करते हुए दिखाया गया है। इसे मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह के हाथ में भी दिखाया जाता है। महाभारत के अनुसार वरुण ने श्री कृष्ण को कौमोदकी प्रदान की थी। वरुणास्त्र, जल के देवता वरुण से जुड़ा एक हथियार जो शक्तिशाली बाढ़ और प्रलय लाने में सक्षम है। वरुणास्त्र जल हथियार है जिसकी स्थापना जलमंडल के देवता वरुण ने की थी। कहानियों में कहा जाता है कि यह पानी की तरह किसी भी हथियार का आकार ले लेता है। उपयोग करने पर यह बड़ी मात्रा में पानी लाता है, जो पैदल सेना के एक बड़े हिस्से को बहा देता है। इस अस्त्र का एकमात्र प्रतिकार विशोशास्त्र है, जिसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अग्नेयास्त्र, अग्नि से जुड़ा एक हथियार जो दुश्मनों को भस्म करने के लिए आग की लपटें पैदा करने में सक्षम है। अग्नेयास्त्र एक पौराणिक हथियार है जो अग्नि देवता से जुड़ा होता है। इस हथियार का उपयोग अत्यंत शक्तिशाली होता है और इसकी शक्ति में दुश्मनों को भस्म करने की क्षमता होती है। यह आग की लपेटों को पैदा करके आपदाओं को नियंत्रित कर सकता है। अग्नेयास्त्र का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से होता है और इसे ब्रह्मा, विष्णु या शिव के आदेश के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। इसका वर्णन प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में मिलता है, जहां इसे धर्म युद्ध में अथवा अपनी रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित असंख्य अस्त्रों के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक अस्त्र के अपने अपने अद्वितीय गुण और महत्व है, जो महाभारत, रामायण और पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में चित्रित पौराणिक युद्ध की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करते हैं।